गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव मोहनी। जैसा कि आप सबको पता है गाइस कि आज हरताल का तीज है और इस तीज में हम हमेशा अपने शिव जी का विशेष श्रृंगार करते हैं और इस बार मैं अपने कृष्ण और राधा रानी का श्रृंगार करूंगी। तो पहले हम आपको कृष्ण जी का श्रृंगार दिखाएंगे, इसके बाद हम आपको राधा रानी का श्रृंगार दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये उनका ड्रेस है जो कि पैंट और पैंट वाले पैटर्न पे है इनका ये ड्रेस, और ये इनका पटका है, ये टॉप है इनका, ये हुआ। फिर इसके बाद इनका ये जो जितना भी श्रृंगार वाला सामान है इनका, ये देखिए, तो यहाँ पे इनकी ये पग हो गई, यहाँ पे एक अटैचमेंट है और फिर ये सारे अटैचमेंट हैं, और यहाँ पर इनकी ज्वेलरी हो गई है, ये कमरबंद है। इसके बाद यहाँ पर ये इनकी तिलक वगैरह है, ये इत्र रखा हुआ है। इसके बाद ये इनकी इनका ये बिगुल हो गया जो हमने इनको जन्माष्टमी में गिफ्ट दिया था। ये मतलब ये सब ऑलमोस्ट जब मैं आपको उनको इनका श्रृंगार करूंगी तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कान्हा जी को ये ड्रेस पहना देते हैं, उसके बाद हम आपको श्रृंगार दिखाते हैं। सो गाइस, देखिए हमने इनको ड्रेस पहना दी है अपने कान्हा जी को, बहुत ही सुंदर इनकी ड्रेस लग रही है, ये देखिए। और इनकी हमने पायल तो हमेशा ही परमानेंट पहने रहते हैं तो हम इसे उतारते नहीं है। इसके बाद हमने यहाँ पर इनको ये कमरबंद पहना दिया है। क्यों पहनाया है? क्योंकि जो इनका स्कर्ट है उसका बैंड दिख रहा था, तो मेरे को लगा कि मैं एक इनको कमरबंद पहना देती हूँ। और ये कमरबंद बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं। इसे भी मैंने हाथ से, यहाँ पर जितनी भी चीजें मैं गाइस यूज कर रही हूँ वो टोटली हैंडमेड है। तो चलिए मैं इन्हें पहले नेकलेस पहना देती हूँ। सबसे पहले मैं इन्हें लॉन्ग नेकलेस पहनाऊंगी, ये देखिए। तो ये इनका लॉन्ग नेकलेस है जो कि ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन पे है, ये देखिए। सो गाइस, देखिए हमने इन्हें लॉन्ग नेकलेस पहना दिया है। हम इसी के सेट का शॉर्ट नेकलेस पहनाएंगे, ये देखिए। ये ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन रखा है हमने जो कि बहुत ही सुंदर लगता है येलो और पिंक के साथ, तो मैंने इसलिए ये वाला ग्रीन वाला बहुत ही सुंदर नेकलेस बना हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये नेकलेस पहनने के बाद। तो अब हम इसके बाद हम इनको ये चूड़ियाँ पहनाएंगे, ये भी हमने बनाई हुई है। तो चलिए इनके याले हैंड पे हम पहना देते हैं, ये देखिए। और बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ हैं ये, बिल्कुल कॉपर सॉरी पूरा गोल्डन सा कलर है, ये देखिए। एक हाथ में हमने पहना दी है और हम एक हाथ पे और पहना देते हैं, ये देखिए। इसे भी हम यहाँ पर पहना देंगे, ये देखिए। अब इसके बाद हम इनको इनकी हेयर विग लगाएंगे, बट हेयर विग के पहले हम इनको ये बिगुल पहना देते हैं, ये देखिए। तो इसे ऐसे पहना देंगे, ये लॉन्ग नेकलेस से थोड़ा, ये देखिए। इनका बिगुल बहुत ही सुंदर है, ये देखिए। तो हमने इनको इनका बिगुल भी पहना दिया है, ये देखिए। अब हम इसके बाद इनको इनकी हेयर बिग पहना देते हैं। तो ये देखिए, ये इनकी हेयर बिग है, तो हम इनके ये जूड़े पे ऐसा फंसा देंगे, ये देखिए। इसके बाद हम इनको इनके इयर रिंग पहना देंगे। तो ये इयर रिंग जो है गाइस, मैं इसे ग्लू इसमें लगा हुआ है, तो हम ग्लू से ही इसे ऐसे इनके कानों पे सेट कर देंगे, ये देखिए। इसके बाद हम दूसरे कान पे भी पहना देंगे इनको, बहुत इजी हो गया है, ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो गाइस देखिए, हम इन्हें इनकी पग पहना देंगे जो कि इनके ड्रेस की सेट की है, और इसमें मैंने अटैचमेंट लगा दिए हैं, ज्यादा कुछ नहीं लगाया है, ये देखिए। इसके बाद हम इनको तिलक लगाएंगे, तो पहले हम इनको इनकी पग पहना देंगे, ये देखिए, बहुत ही सुंदर इनकी पग लग रही है। और अगर मुझे थोड़ा सा और हैवी करना होगा तो मैं उसे बाद में डेकोरेट कर लूंगी। जैसे कि मेरे पास एक ये मोर पंख है, इसे ही मैंने बनाया हुआ था, तो इसे देखते हैं, अगर यहाँ पे अच्छा लगेगा तो लगा देंगे, लग तो अच्छा रहा है। सो गाइस देखिए, हमने इनकी पग को पहना दिया, और यहाँ पर मेरे पास एक ये चैन थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पर इसे ग्लू की हेल्प से चिपका दिया है, बहुत ही सुंदर लग रही है। नॉर्मल ये जो भगवान वाला ग्लू होता है उसे चिपका दिया मैंने, चिपक गया तो मैंने चिपका दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर इनको तिलक लगाऊंगी, ये देखिए। तो इनका तो तिलक नॉर्मली होता है तो वही यूज कर रही हूँ मैं, ये देखिए, ये वाला तिलक है, मैं इन्हें लगा देती हूँ, देखिए।
इसके बाद मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर दूंगी ताकि मैं छोटा सा स्टोन लगा सकूं। ये देखिए, तो ये देखिए हमने इनको तिलक लगा दिया है, मतलब इसके नीचे एक छोटा सा स्टोन रख दिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके बाद हम इनकी जो ये फिंगर्स हैं, यहाँ पर हम एक फिंगर रिंग भी लगाते जाते हैं, तो हमारे पास दो तीन टाइप की फिंगर रिंग है, मतलब स्टोन टाइप के हैं, तो हम देख लेते हैं कि कौन से सही लग रहे हैं। तो एक इस टाइप का है जो गोल्ड टच देता है, तो इसे देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी अच्छी लग रही है, एक इस टाइप की है, तो देखिए ये अच्छी लग रही है। अब हम दूसरे हैंड पे लगा देते हैं, यहाँ पर सॉरी फिंगर पे, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर भी लगा दिया, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब देखिए एक स्टोन में इनकी छोटी वाली फिंगर पे रख देती हूँ, वो थोड़ा सा अच्छी लगती है, लुक अच्छा आ जाता है। तो ये देखिए हमने लगा दिया है। अब इसके बाद हम इनकी बांसुरी दे देंगे इनको, पर एक सेकेंड अभी मैं यहाँ पर और स्टोन लगा देती हूँ इनकी नोज पर। ये देखिए ये, और एक चिन पे लग देती हूँ, इससे और सुंदर लगने लगेंगे। ये देखिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम इनकी ये जो हमारे पास बांसुरी है वो हम इन्हें दे देंगे। ये देखिए, तो गाइस देखिए हमने इनको इनकी पग पहना दी है, इनकी बांसुरी पहना दी है, हमने इनको पटका भी लगा दिया है। अब हम इनकी जो पैर है, तो यहाँ पे तो इन्होंने पायल पहना हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ एक एक स्टोन यहाँ पे भी रख देती हूँ, तो और सुंदर लगने लगेंगे इनके पैर भी। तो ये देखिए एक यहाँ पे रख दिया और एक यहाँ पे रख दूंगी। गाइस हमने इनको स्टोन लगा दिया है इनके पैरों पे, दोनों पे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और इनका जो आज का ड्रेस है वो भी बहुत सुंदर लग रहा है, येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन तो वैसे भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो हमने इनको ऑलमोस्ट जितना इनका श्रृंगार था हमने कर दिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप खुद भी देख सकते हैं। तो मुझे तो आज का इनका श्रृंगार बहुत ही सुंदर लग रहा है, नॉर्मल था लेकिन हैव करते गए तो वो थोड़ा सा हैवी हो ही गया, और वैसे भी फेस्टिवल में मतलब थोड़ा हैवी श्रृंगार होता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। गाइस आपको हमारा आज कान्हा जी का श्रृंगार का वीडियो पसंद आया हो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो के ऐसी ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो गाइस मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ और राधा रानी के श्रृंगार के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।